एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में हज़रत महम्मद व सल्लम की खिदमत में खजूर की एक गठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गठली को मट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर जमीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाएं तो मैं आपकी तालीमत पर ईमान ले आऊंगा गोया मुसलमान हो जाऊंगा रसूल मुकरम सल वसलम ने उसकी ये शर्त तस्लिम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लास ने उस गठली को मट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह सुबह न से दुआ भी की और वहाँ से वापस तशरीफ ले आए उस यहूदी को दुनियावी की कसवटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता लेकिन रसूल अलैहि वसल्लम की ऐत अकद की रूहानियत और आपका एतमाद उसके दिल में खटक और खदशा जरूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही न जाए की खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए उसने अपने इस विश्व से को दूर करने के लिए फिर दुनिया की मदद ली और शाम को उस मकाम पर जाकर जहाँ खजूर की गठली आकायो जहाँ सलम ने बोई थी उसको वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दरकिनार खजूर के दरख्त का निकलना ही महाल है लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह अल्लाह सुबहान और उसके रसूल सल्ला सल वसलम के दरमिया हो तो दुनियावी इसबाब बेमानी हो जाते हैं अगले दिन आकद व जहाँ सल्ला सल वसलम और यहूदी मकाम मुकर पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक तनावर दरख्त खजूर के गजहों से लदा खड़ा है उस यहूदी ने जब उसकी खजूर को देखा तो उसमें गठली नहीं थी तो उसके मुंह से बे निकला कि उसकी गठली कहाँ है मरकूम है कि उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि गठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी इसलिए गठली तो खजूर में नहीं है अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह ताला के नजन से रसूल सो देख कर मुसलमान हो गया इस वाक के बाद से आज तक बगैर गठली वाली मोजाती खजूर मदीना मुनवरा में खूब उगती है दुकानों पर फरोख्त भी होती है इस खजूर का असल नाम सखल है इसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले बिलखसूस बॉटनी यानी नबातयात के माहरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखल खजूर में गठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है तो बताने वालों ने बताया है कि उसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दीन पेश पेश है और कुछ नहीं तो कम अज कम एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का तोहफा भेजकर शेयर कर दें जब तक ये वीडियो शेयर होती रहेगी आप सल्लल्लाहु वसल्लम पर लाखों करोड़ों और सलाम के तोहफे पहुंचते रहेंगे और हमारी वजह से कोई आगे शेयर कर देगा तो यकीन कीजिए कि हमारी भी बख्शिश का ये सबब बनेगा दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तोफीक अता फरमाए आमीन सुम आमीन वमा अलीना इल्ला अलनाबला मुबीन